यार दिल से स्वागत है फिर से आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम हैं नासिक मंडी में, नासिक नहीं पूना मंडी में, और अभी यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं खाली करने के लिए। 155 बॉक्स थे वो अभी खाली करेंगे और उसके बाद जाएंगे नासिक ही होगा शायद, टमाटर पे बात चल रही है। अगर हो जाएगा लोड कन्फर्म तो जाएंगे नासिक, और इधर से होगा तो यहाँ से भरेंगे। तो अभी तो करते हैं खाली, उसके बाद देखते हैं। नेपाल भाई का कोई जानकार है तो वो कर रहे हैं अभी बात। तो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। तो बने रहना मेरे साथ में और मैं मंडी का आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। भाई साहब मंडी है काफ़ी लंबी, मतलब आज़ादपुर मंडी है दिल्ली में उसी की तरह है, काफ़ी लंबी चौड़ी मंडी है। लेकिन चोरी की दिक्कत यहाँ भी है तो आज़ादपुर दिल्ली भी है, वो तो हर कहीं होती है। गाड़ी वालों को तो कहीं भी लूट लेते हैं, उसकी तो खैर बात ही अलग है। तो बने रहना मेरे साथ में, अभी करते हैं यहाँ पे अनलोड गाड़ी और फिर निकलते हैं यहाँ से। देखते हैं यहाँ से अगर आप भी कल कोई लोड होगा लोडिंग का तो जाएंगे, नहीं तो फिर नाइट में ही निकलेंगे क्योंकि दिन में ट्रैफिक भी रहेगा। और दो चार ड्राइवर बोल रहे हैं कि भाई लंबा भी पड़ेगा दिन में जाने से, तो खामखा पुलिस खर्चा भी हो जाए कहीं पे, तो क्या करना, रात में जाएंगे। तो देखते हैं अभी करते हैं बात बात। तो गाइस ये है पुणे मंडी और ये इधर है मंदिर। ये यहाँ मंडी में अभी लगाएंगे दुकान पे, फिर होगी खाली गाड़ी। भाई काफ़ी लंबी है मंडी, बहुत लंबी चौड़ी मंडी है। अभी लगाते हैं पीछे, तो गाइस फाइनली अपना गाड़ी हो गया खाली। देखो और बरसात का मौसम फिर से हो गया और नेपाल भाई ऊपर बांध रहा है त्रिपाल, और इन भाइयों ने की है अपनी गाड़ी खाली। एनएचबी में हुई है खाली, तो अभी जाएंगे। ये भाई है हेड लेवर, मतलब लेवर का हेड बंदा है, उन्होंने खाली कर दी, अभी जाएंगे। सो गाइस ये है यहाँ मंडी में गणपति बाबा का मंदिर, जय शारदा गजानन। और वो भाई गणपति बाबा की प्रतिमा, जय हो गणपति बाबा। तो भाई अभी खाली करके खड़े हुए हैं मंडी में, तो यहाँ पे अभी तो खुला हो गया, इसके लिए यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी। और बारिश आने लगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी, तो अभी हमारा कोई लोडिंग कंफर्म नहीं हुआ। सोचा यहाँ से रात में ही जाएंगे बाहर होटल वगैरह पे, क्योंकि अभी जाने से ट्रैफिक भी मिलेगा और अभी लोडिंग भी कन्फर्म नहीं है, तो नाइट में ही निकलेंगे यहाँ से। तो अभी तो खड़े हुए हैं यहीं पे, और ये गणपति बाबा के मंदिर के सामने गाड़ी लगाई है हमने। तो भाई यहाँ पे सोने वगैरह का तो काम है नहीं, क्योंकि दिन में सो नहीं सकते यहाँ पे। अभी भी वो बोलते हैं भाई अपना सेफ्टी से रहना, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने लगाई है गणपति बाबा के मंदिर के सामने। चोर भी आए तो बाबा की थोड़ी बहुत लाज तो रखेगा। सभी यहीं पे खड़े हुए हैं भाई, काफ़ी लंबी मंडी है यार। और भाई साफ सफाई भी ठीक है, कोई कचरा वचरा नहीं है अभी, है जितने भी कचरा देख रहे हैं आप सबकी साफ सफाई हुई है अभी।
तो भाई जी अभी मंडी में ये निकल रही है कोई झांकी वगैरह। अरे भाई बज रहा है यहाँ पे म्यूजिक वगैरह। बाग नाच रहे हैं किस चीज का है अब पता नहीं है। भाई जी ये है कोई झांकी और वो उधर पता नहीं किसकी लगी है प्रतिमा, अगर कोई भाई जानता हो तो कमेंट करके बताना। ये देखो भाई काफी पब्लिक है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम जा रहे हैं नासिक। अभी लोडिंग कंफर्म नहीं है तो उधर जाएंगे, कल ही पता लगेगा कहीं का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी 11 बज रहे हैं तो अभी निकले हैं मंडी के बाहर। ये मंडी का गेट है जहाँ पे गेट पास करता है मंडी का। और मैंने नेपाल भाई को बोला है, नेपाल भाई तू चला, मैं मेरे को बनानी है वीडियो। और नेपाल भाई ने लगा लिया मैप। वैसे यहाँ आया हुआ है लेकिन बोल रहा है भाई अभी कोई आइडिया नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। ज्यादा ऊपर का क्या करना, किधर जाना है? उधर राइट में, राइट में आराम से, आराम। चल चल चल, चलो चलो। ये गाड़ियाँ सभी बाहर निकलने वाली है मेरे हिसाब से, तो चलते हैं भाई। और कहीं होटल वगैरह पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो चलते हैं अभी। ये है भाई फूल, फूला का बाजार, मतलब फूल का बाजार यही है ना। और भाई ये किसकी प्रतिमा लगी है? चलो चलते हैं। You.
नासिक हाईवे पे। और भाई ये जगह का तो पता नहीं है कौन सी जगह है, और भाई जो अभी ये पीछे आज पता नहीं क्या ताजिया निकल रहा था कि क्या था, इतने ज़बरदस्त साउंड लगा के रखे हुए थे भाई साहब, पूरी गाड़ी हिल गई हमारी। ये कौन सा चौक है भाई, राजा रोड खड़की। तो भाई ये है खड़की चिंचवाड़ निगड़ी बोपोड़ी। तो गाइस अभी आ गए हम वापस चाकण में, और ये है भैया यहाँ पे चाकण ब्रिज, और ये भाई पुणे सिटी। पूरा भाई बॉम्बे की तरह है पुणे, ये बॉम्बे में बिल्डिंग है भाई साहब, नेपाल वहाँ पे हाइटों में बिल्डिंगें दिखती हैं, यहाँ पे तो जैसे बंगले बना रखे हैं उस टाइप में। ये है भाई सिटी, यहाँ से नज़र आएगी, इधर तो एक कच्ची बस्तियाँ आ गई है ना। तो अभी चलते हैं भाई और देखते हैं कहाँ पे जाके कौन सी होटल पे सोते हैं, क्योंकि अपना प्रोग्राम तो है नहीं कोई, तो देखेंगे फिर। तो ये क्या है भाई, बस अड्डा, बस डिपो, बस अड्डा है भाई ये। यार बहुत बसें लगती हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, प्राइवेट ही है शायद यार, गवर्नमेंट बसें भी है शायद यहाँ पे। ये मोशी का बस स्टैंड है, मोशी मोसी। वो टेम्पो वाला भैया उसको धक्की दे रहा है। तो गाइस आज खाना तो हमने खाया नहीं है, और तो अभी रात के 2 बजे लिए हमने पोहे, दिन हो गया ना। तो भाई नेपाल भाई ले गया है पोया, तो अभी ये खा रहे हैं पोया, क्योंकि अब खाना तो 2 बज गए तो होटलें तो यहाँ महाराष्ट्र में बंद हो जाती हैं, और हमने गाड़ी में बनाया नहीं क्योंकि हम जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन ये आज क्या था, ताजिया था क्या था पता नहीं भाई, उसकी वजह से ना रोड ब्लॉक करके रखा हुआ था, रोड बंद कर रखा था उनके, जो निकालते हैं ना रैलियाँ वगैरह साउंड वगैरह लगा के, तो उसकी वजह से लेट हो गए। सो अभी खा रहे हैं ये, सो व्लॉग का करते हैं यहीं पे दी एंड, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो कमेंट करके बताओ कैसा क्या लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।